गलतफहमी हो रही है। मैंने सच कहा है कि मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, मगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूं। मैं अपने साथ मेरे मम्मी पापा को रखने वाला कौन है, मगर मेरी माँ बाप की महानता है कि आज भी मुझे अपने साथ रखते हैं। तो कहे वो ममता की मूरत माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे, अपनी आशा हर इच्छा की यही माँ बाप ने दी कुर्बानी। धर्म को जान सका वही माँ बाप की है मेहरबानी। ओ जहाँ माँ बाप की पूजा होती है, जहाँ माँ बाप की पूजा होती है वो घर भगवान पधारेंगे, वो ममता की मूरत माँ के चरणों में। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, 43। इस दुनिया में माँ की महिमा हम हर दम हर पल गाएंगे, वो ममता की मूरत माँ के चरणों में शीश झुकाएं, वो ममता की मूरत माँ के चरणों में शीश झुकाएं। और यही माँ शब्द में कितनी ताकत है कि घर वाली अगर झगड़ा करने वाली होती है, रोज रोज सुबह शाम झगड़ा करती है, बार बार माँ कोने में बैठती है, फिर भी माँ के बारे में वो घर वाली बोलती रहती है, आप इतने परेशान हो जाते हैं, अब इसको क्या कहना, आप इसको कह भी नहीं सकते, मगर लास्ट में एक ही शब्द ऐसा है, हाथ जोड़ के बोलो कि मेरी माँ चुप हो जा, वो चुप हो जाती है। माँ शब्द में ये ताकत है। वो ममता की मूरत माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे। ये एग्जाम्पल झूठा भी हो सकता है, मगर आज हम यहां बैठे हैं, इनका श्रेय किसको जाता है? लड़के का जन्म हुआ, आधा घंटा ही हुआ होगा, और लड़के ने परमात्मा को मिस कॉल किया। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात, सामने ही नर्स खड़ी थी, नर्स ने पूछा लड़के को, आधा घंटा ही हुआ है जन्म होने में, परमात्मा को तूने मिस कॉल कर दिया, जानना चाहती हूं भगवान से तू क्या बात करना चाहता है। लड़के ने आंख में आंसू थे मगर हर्ष के आंसू थे, वो नर्स को एक जवाब दे दिया, परमात्मा से मैं बात करके ये कहना चाहता हूं कि भगवान इस एबोर्शन के युग में मेरा जन्म सुखरूप हो गया है, बस सिर्फ इतना कहना चाहता। नंबर एक, चार बात माँ बाप की आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, रिमेम्बर दो ऑब्लिगेशंस। आंखों के सामने माँ बाप का उपकार याद रहे। तीन उपकार माँ बाप के हैं। इस सभा में बैठने वाले को शायद मैं पूछ सकता हूं, बैट्समैन यदि सेंचुरी मार के बैठा है, अभी नॉट आउट है, आपकी दृष्टि से उनकी सेंचुरी हो चुकी, सबसे ज्यादा उनके स्मृति पथ में कौन होगा? क्रेडिट गोज टू बॉम। आपको पूछना चाहता हूं, सेंचुरी मारने वाला बैट्समैन, इनकी आंखों के सामने क्या हो सकता है? ये मैं सेंचुरी लगा पाया, उनकी सबसे ज्यादा क्रेडिट जाती है तो किसको जाती है? हाँ? नहीं,
कैप्टन, अब ये बोले कैप्टन को नहीं, कोच को नहीं, अपने कौशल्य को नहीं, ये स्टेडियम में बैठने वाले दर्शकों को वो भी नहीं, गेंदबाज की कमजोरी को वो भी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को वो भी नहीं, अपनी टेक्निक को वो भी नहीं, अपनी टेम्परामेंट को वो भी नहीं, किसको? यदि वो मान लिया कि वो बैट हवा में लगाता है, मगर इनके मन में एक बात का पक्का ख्याल है, कैप्टन कितना भी अच्छा हो बैट्समैन डक में चला जाता है, कोच ने कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दी हो मे बी पॉसिबल वो ट्रेनिंग खत्म हो सकती है, सब कुछ दर्शकों को लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत उनके हाथ की, उनकी परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ ठीक है, सब नंबर 2, 3, 4 पे रह सकते, मगर एक नंबर का यदि क्रेडिट बैट्समैन दे सकता है तो उनको दे सकता है सिलेक्शन कमिटी को। सिलेक्शन कमिटी 115 करोड़ लोगों के बीच में 11 की सिलेक्शन करना था, उसमें यदि मेरा सिलेक्शन नहीं किया होता, आज पब्लिक के बीच में कौशल्य को प्रकट करने का मुझे कहां मौका मिलता? मैं स्टेडियम में बैठता, सामने वाले की सेंचुरी देख सकता था, मगर मैं खुद तो सेंचुरी नहीं बना सकता था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रेडिट यदि किसको भी जाती थी, सिलेक्शन कमिटी को, और मालूम है ना डक में चला जाता है और दूसरी मीट में उनको नंबर चांस नहीं लगता क्योंकि सिलेक्शन कमिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आज मैं मेरी बात बताऊं, मैं कितना भी अच्छा प्रवचन करता हूं, कितना भी लेखन करता हूं, मगर सबसे क्रेडिट गोज टू गुरुदेव, इसलिए कि मेरा सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन यदि गुरुदेव ने मुझे सिलेक्शन करके इस संयम जीवन को नहीं दिया होता तो मेरे में कुछ भी कौशल्य होता, मैं अपना कौशल्य लोगों के बीच में प्रकट नहीं कर सकता। और मैं इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, आपकी जो भी ताकत अभी यदि मेरे सामने बनी या समाज में बनी है, इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आपके माँ बाप के सिलेक्शन को, जिसने आपको पसंद करके इस दुनिया में जन्म दिया। यदि वो सिलेक्शन नहीं किया होता, आपके पास कुछ नहीं होता। नंबर एक, माँ बाप के दो उपकार, और बोल सके तो तीसरा उपकार। नंबर एक, माँ बाप ने मेरी तकदीर खोल दी। पहले इस बात में आगे जाने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जो बोलता हूं आपको सही लगता है क्या? नहीं लगता तो ना बोल देना। मैं ये कहता हूं, गुरुदेव ने मेरी तकदीर बदल दी। एक 18-19 साल का लड़का संसार में बैठा हुआ, वन रूम किचन में बैठना हुआ, जिसको कोई देखने वाला, बात करने वाला नहीं था, वो लड़के को इतनी बड़ी ताकत देकर के गुरुदेव ने लाखों लोगों के लिए नमस्करणीय वंदनीय बना दिया और यह शक्ति पैदा कर दी। मैं अपने आप को मानता हूं कि गुरुदेव आपने मेरी तकदीर बदल दी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको सही अर्थ में लगता है कि मेरी तकदीर बदलने में मेरे बॉस ने प्रयास नहीं किया है, मेरे टीचर ने प्रयास कितना भी किया हो, मगर सबसे बड़ा मेरा योगदान यदि किसी का है तो माता पिता ने मेरी तकदीर बदल दी। आपको पूछना चाहता हूं, ये मैं पूछता हूं, आपको लगता है क्या? इतनी बड़ी सभा में मां बाप भी बैठे, उनके भी तो मां बाप थे, बेटे भी बैठे, उनके भी मां बाप है। सिर्फ छोटा सा प्रश्न, जब भी पिताजी आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपकी स्मृति पथ में आ जाए, पहले नंबर का ख्याल, पिताजी आपने मेरी तकदीर बदल दी। क्या लगता है महावीर जी? तकदीर, एक बात, तकदीर बदल दी वो तो मैं कहना चाहता हूं, यू फील, ये मेरे बोलने से नहीं होगा ना, आपको अंदर से उठना चाहिए कि गुरुदेव आपने कमाल कर दिया। जब भी पिताजी को आप देखो तब आपको लगे कि नहीं, आपने लिटरली मेरी तकदीर बदल दी। मां के पेट से खत्म होने वाले बेटे कोई कम नहीं है इस देश में, करीबन 40 से 50 लाख लड़के मां के पेट से ही चला जाता है, तकदीर उनकी खत्म कर दी मां बाप ने। एक बात बताऊं,
डिलीवरी करने वाली माँ अपने जान पर खतरा लेकर के डिलीवरी करती है, समझ गए आप? क्यों मैं जो कहना चाहता हूं, अपने जान पर खतरा हो सकता है डिलीवरी में, मां खत्म हो सकती है, मगर कुछ भी होगा बेटे को जन्म दे दूंगी। यह प्रयास क्या लगता है आपको? यह मातृ पितृ वंदना, यहां पैर धोएंगे मां बाप का, वो तो निश्चित तौर से एक अद्भुत दृश्य होगा। बट आई वुड लाइक टू नो, आपको पूछना चाहता हूं, आप मेरी बाबत में सम्मत न हो तो मुझे बताओ कि गुरुदेव मां बाप ने हमारी तकदीर बदली, हम ऐसा नहीं मानते? नहीं मानते हो तो भी मुझे बताओ। ओके ओके ओके, आप यदि ये तकदीर बदलने वाले मानते हो, इनके प्रति आपका एक भाव बिल्कुल अलग होगा, ये मैं मान के आगे चलता हूं। नंबर दो, नंबर एक, मां बाप ने मेरी तकदीर बदल दी। नंबर दो, मां बाप ने मेरी तस्वीर बदल दी। तकदीर क्या, तस्वीर बदल दी। 1964 की शिविर में, अचलगढ़ की शिविर में, मैं कोने में बैठने, लास्ट में बैठने वाला, और गुरुदेव ने वहां से मुझे उठाया। जिस गुरुदेव को मैंने खुद ने कन्फेस किया था कि गुरुदेव आपको मैं कंदी गाली नहीं मगर गाली ही देता था, इस बुड्ढा साधु अपने को क्या समझाएगा वो सोच के शिविर में बैठा था गुरुदेव, और आपने मुझे संयम जीवन को योग्य मान लिया, मुझे दीक्षा दे दी। मेरी मां है गुरुदेव, मेरे जन्म देने वाली मां तो मेरी 5 साल की उम्र में शांत हो गई, और मेरे पिताजी का क्या मेरे पर ऋण है? बहुत कम पिताजी जिनको मिलते, ऐसे पिताजी मिलने का सद्भाग्य मेरा रहा। संयम के मार्ग पर जाने की पहली बार मैंने जब बात की, मेरे पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई, यू बिलीव इट? एक बाप ने मुझे धन्यवाद दिया कि बेटा तेरे मन में यह भाव पैदा हो गया साधु बनने का। और मैंने गुरुदेव को कहा था, मेरे पिताजी को, साधु बनने के लिए बेटा तैयार हो, रोकने वाले मां बाप बहुत हैं, बेटा तेरे में इतने साल से इन्वेस्ट किया, तुझे बड़ा किया, और सही समय पर मुझे छोड़ के चला जाता है। ये मेरे पिताजी वो थे जिसको मैंने पहली बार बताई कि मैं साधु बनना चाहता हूं, पेट थपथपाई, गले लगा दिया, मैं चाहता हूं जितना हो सके इतना जल्दी है तेरे जीवन में ये दिन आ जाए, मेरे बेटे को मैं संयम के वस्त्र में देखूं। ये बाप, और मावी जी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने खुद ने मेरे पिताजी को कहा, पिताजी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मातृ पितृ वंदना का प्रोग्राम मेरे पिताजी मुनिवर भी आज मेरे आंखों के सामने है। जिस पिताजी ने पहली बार मेरे दीक्षा की बात की तब मेरी पीठ थपथपाई, उसी पिताजी को मैंने ये कहा था कि पिताजी हो नहीं सकता है, अब भी मेरे साथ दीक्षा लो। पिताजी का यह कहना था कि आई एम 57, तू 19 का है, मैं 57 का हूं, दीक्षा तू मुझे लेने की बात करता है, ये संयम जीवन की साधना कैसी चलेगी, बिना शरीर साधना कैसी चलेगी? मैंने सिर्फ पिताजी को इतना ही कहा, पिताजी माताजी की अनुपस्थिति में आपने दोनों काम मेरे लिए किया है, आप मेरी मां भी बने मेरे पिताजी भी बने, और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप और मैं हम दोनों साथ में दीक्षा ले, जीवन के अंत समय तक आपके साथ रहकर के आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। मैं संयमी बन जाऊंगा मगर आपकी सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। आपको भी संसार में कोई काम नहीं है, दो भाई है, दो भाई अपने संसार में बैठे, मगर आप मेरे पे कृपा करो, आप भी चारित्र के मार्ग पे चलो, मैं जीवन भर तक आपके अंतिम समय तक आपके साथ रह करके आपकी सेवा करके आपका अनंत ऋण है, यह किंचित तो ऋणमुक्त बन के रहूंगा। और इस औरंगाबाद में संत तुकाराम ऑडिटोरियम में बैठे वाले सभी भाई और बहनों को आनंद के साथ वो समाचार देना चाहता हूं, मेरी और मेरे पिताजी की दोनों की दीक्षा एक साथ हुई। वही मेरे पिताजी चारित्र के मार्ग पे आए, और मैंने जो वादा दिया था अंत समय तक 100% गुरुदेव आपकी सेवा में रहूंगा, और 57 साल की उम्र 27 साल का दीक्षा पर्याय, ऑन द एज ऑफ 84
सांता क्रूज में हम सब साधु की उपस्थिति में नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते करते पिताजी शांत हो गए। रिपीट करना चाहता हूँ, तकदीर बदलने का काम माँ बाप करते हैं, तस्वीर बदलने का काम भी माँ बाप करते हैं। या कई माँ बाप ऐसे हो गए जिसने अपने बेटे को MBA बनाने के लिए अमेरिका भेजा होगा, CA बनाने के लिए भेजा होगा, डॉक्टर बनाने के, बराबर मैं जो बोलता हूँ बराबर है ना? हाँ, ओके। कई माँ बाप ऐसे होंगे जिसने यहाँ होने के बावजूद अपने बेटे को बेंगलोर भेजा होगा, कहीं मद्रास भेजा होगा, बेटा भी बोलता होगा पिताजी आप यहाँ अकेले, मम्मी का स्वास्थ्य नरम, आपकी भी सेवा, और बाप ने छाती पे पत्थर रख के बोला होगा बेटा हम अपनी संभाल लेंगे, तेरे करियर को बनाना है बेटा, तेरी करियर पहले, हम नंबर 2 पे। ये अनुभव है ना यहाँ सभी का। मैं एक पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, बेंगलोर, अमेरिका, चाइना, यूरोप, कहीं भी जाने के बाद बेटे के मन में एक बात आएगी कि ये मेरी तस्वीर बदलने में पिताजी का सबसे बड़ा योगदान, माँ बाप का योगदान सबसे बड़ा है। नंबर 2, रिमेंबर योर ऑब्लिगेशंस, माँ बाप के उपकारों को हमेशा आंखों के सामने रखो। मेरी क्या तस्वीर बदल दी, तुम्हारी तो बात छोड़ो, मेरी। जहां एक लड़का हर स्कूल में कॉपी करते करते पास हो सकता था, वो लड़के को यहां ला करके बिठा देना प्रवचन करके। 9-9 साल तक जो साधु एक पोस्ट कार्ड नहीं ले सकता था, इस साधु को 290 किताब लिखने की ताकत देना, वो ये रत्न सुंदर की खुद की ताकत थी क्या? नंबर 1, जिन जिन लोगों को लगता है कि माँ बाप का मेरे पे उपकार क्या है, उनको इतना ही कहना चाहता कि दोस्त ये बुद्धि की गर्मी में बहुत ज्यादा बात मत कर। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो बहु बोले नहीं, गुजराती कोटेशन है। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो बहु बोले नहीं, समझे इनका अर्थ तुम? हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो बहु बोले नहीं। माँ बाप के सामने बुद्धि को बोलो कि बंद रहे, खबरदार एक शब्द यहां बोली तो। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो बहु बोले नहीं। सोनानी मूर्ति ने लोखंडना पिंजरा में मुकी ने कदी कोई तोले नहीं। सुवर्ण की प्रतिमा लोहे के तराजू में रखे तुम, तराजू लोहे का माने सोने की मूर्ति क्या कमजोर हो गई? लोहे का तराजू लोहे की जगह, सोने की मूर्ति सोने की जगह है। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो गए, तुम्हारी बुद्धि तो मेरे पास है, मगर माँ बाप का उपकार अपनी जगह पे है। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो वो बोले नहीं। मैं दामा के साथ कह सकता हूं, मेरे गुरुदेव के सामने मैंने कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, नेवर। इनके सामने बुद्धि, जिस गुरुदेव ने मेरी तकदीर बदल दी, जिस गुरुदेव ने मेरी तस्वीर बदल दी, और इससे भी ज्यादा श्रेष्ठतम उपकार गुरुदेव का, जिसने मेरी तासीर बदल दी। तासीर, तासीर माने प्रकृति बदल दी, क्रोध का स्वभाव था क्षमा का बना दिया, एग्रेसिव का स्वभाव था प्रेम का बना दिया, खाने का स्वभाव था त्याग का बना दिया। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, बेटा गाली बोल के आया, माने चाटा मार दिया होगा, बेटा चोरी करके आया, माने रोका होगा, बेटा किसी गलत फ्रेंड के साथ गया होगा तो माने रोका होगा, बेटी मोबाइल से किसी भी लड़के के साथ कुछ भी बात करती होगी, माने उनको डिस्टर्ब किया होगा, कबूल। एक ही कारण था तासीर बदलने का, तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी, तासीर बदल दी। समाज के बीच में आज तुम सब लोगों की दृष्टि से यदि तुम सज्जन लगते हो, इनका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? माँ बाप को जाता है। जन्म देकर के छोड़ने वाली कुत्ती भी अपने पिल्ले को छोड़ देती है, कई पिल्ले कुत्ती के मुंह में मर गए, जन्म दिया
और कुत्ती को मां को खाना नहीं मिला, पिल्ली को मार दिया। बताऊं, कई मां ऐसी है जन्म नहीं देती है, कई मां ऐसी है जन्म देती है मगर जीवन नहीं देती है। छोड़ दिया रास्ते पे, तो कई मां जीवन देती है। रिपीट करना चाहूंगा, मां तीन प्रकार की, जन्म नहीं देने वाली मां, पेट में तो आया बच्चा, जन्म ही नहीं दिया। कई मां ऐसी होती है जन्म देती है तो जीवन नहीं देती है। मेरी और आपकी मां ने मुझे और आपको जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, मगर एक तीसरी बात, जीवन देकर के रास्ते पे फेंक नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया, तुझे जो ठीक लगे वो कर, वो भी नहीं किया, संस्कार दिया। मां बाप के तीन उपकार, जन्मदान, जीवनदान और संस्कार दान। तकदीर बदलने का उपकार, तस्वीर बदलने का उपकार, तासीर बदल देने का उपकार। इतनी बड़ी सभा, इतनी अच्छी शांति, सिर्फ मैं हृदय से पूछना चाहता हूं, पूरे दिन में याद करने के लिए मां बाप को तुमने निश्चित तौर से समय दिया हो और याद किया हो, ऐसा प्रसंग आता है क्या? मावी जी सीधी हां मत बोलना। परमात्मा का नामस्मरण करने के लिए हम याद समय रखते हैं, उठने के बाद प्रभु को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, मां बाप को याद करने का निश्चित समय तुमने रखा है क्या? नहीं है तो ना बोलना, मजाक मत करना। वाई नॉट? इंदौर में एक भाई है जिनके वहां जाके आया, जिसने मां बाप का मंदिर बनाया है, मां बाप का मंदिर। जब उसने मुझे बताया कि महाराज साहब मेरे घर में मेरे मां बाप का मंदिर है, मुझे हैरान हो गया। मैं बोला, 39 साल मेरे दीक्षा जीवन का उस टाइम हुआ था, 8 साल पहले की बात करता हूँ, 10 साल पहले की, मैंने कभी माँ बाप का मंदिर नहीं देखा। महाराज साहब आप आओ मेरे घर पे, माँ बाप का मंदिर बनाया है। और जिस ढंग से मंदिर के केंद्र स्थान में परमात्मा की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, उसने अपने माँ बाप की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, इट वॉज द मिरेकल। महाराज साहब पूरे घर की व्यवस्था है, पूरे घर की व्यवस्था है। सुबह उठ के जैसे ही परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के जाते, हमारी पूरी फैमिली मेंबर सुबह उठ के माँ बाप के मंदिर में जाकर के चरण में झुक करके सब नमस्कार करते। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान का नामस्मरण निश्चित समय पे निश्चित स्थान पे करने का माहौल है, माँ बाप के उपकार को याद रखने का समय क्यों नहीं है? इतनी बड़ी सभा में हम जवाब नहीं दे पाते क्या? माँ बाप के उपकार को याद करने के लिए समय 100% हम क्यों नहीं निकालते, और या तो समय क्यों नहीं निकल जाता है? याद आ ही जाते गुरुदेव, माँ बाप के उपकार को याद करने के लिए गुरुदेव को पर्टिकुलर समय नहीं होता है, निश्चित तौर से याद आ ही जाते हैं। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, याद आता है क्या? एक बात, मजाक मत करो, मैं जो बोल, आई वुड लाइक टू नो आंसर फ्रॉम यू, मैंने जो पूछा वही जवाब चाहता हूं। आपके माँ बाप के उपकार को याद करते मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, उसमें कोई बीच में नहीं आता, भगवान भी नहीं आता, मैं भी नहीं आता है, आपकी पत्नी भी नहीं आते, बेटे भी नहीं आता है। आप इतना बोल दो कि माँ बाप के उपकार को हम याद करते, दैट्स ऑल। मैं एक बात बताऊ, ये दुख क्या आया? माँ बाप का उपकार वो दुख के समय की बात नहीं, 24 घंटे की बात है। हम भूख लगते तब तो भोजन कर सकते, प्यासे होते तब तो पानी पी सकते, मगर ऑक्सीजन दुख के समय लेने की बात नहीं आती ना, ऑक्सीजन कम लेते। मां बाप का स्थान अन्न की जगह पे है, पानी की जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे। तो फिर ये बोलो कि गुरुदेव दुख के समय में मां बाप को याद करना, 24 घंटे महाराज साहब मां बाप तो स्मृति पथ में बैठे ही है। एक एक शायद एक दिन क्या, मैं जैसे ही फ्री बैठता हूं सीधा मां बाप याद आ जाते कि क्या आपने मेरी कमाल कर दी। मैं अपने सच बताऊं, मैं खुद को जब ये कपड़े में महसूस करता हूं तो मैं मान भी नहीं सकता हूं कि ये कपड़े मेरे पास हो सकते हैं। जो कपड़े गौतम स्वामी जी के पास थे
वो कपड़े मेरे पास कैसे आ गए? ये आपको मामूली लगता कि सदभाग्य? भगवान महावीर ने जो चीज गौतम स्वामी को दी वही चीज मेरे जैसे को गुरुदेव ने दे दी, कमाल कर दिया। आज मैं कोई मिमिक्री प्रोग्राम कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ी वेदना से पूछ रहा हूं। जिन माँ बाप को यहां तक बोलता मैं, तकदीर तासीर और तस्वीर तीनों में जिनका योगदान, जन्म नहीं दिया होता तो तुम मेरे सामने नहीं बैठे होते, जन्म देने के बाद रास्ते में फेंक दिया होता तुम मेरे सामने नहीं होते, शायद मैं भी पॉसिबल कोई जेल में चले गए होते संस्कार नहीं दिए होते तो। गाली बोलने से माँ बाप ने रोका, बदमाशी करने से माँ बाप ने रोका, व्यभिचार करने से मैं खबरदारी ये किया तो, इतना संस्कार माँ बाप ने दे दिया, तकदीर तस्वीर तासीर तीनों जिसने बदल दी। और इनके लिए मैं प्रोग्राम रखना पड़ता है, प्रोग्राम मातृ पितृ वंदना रोज जो होना चाहिए वो प्रोग्राम रखना पड़ता है, ये शर्म की बात है। जिस दिन आपको मन में ये भाव बैठेगा तब पता चलेगा कि गुरुदेव हम तो खोखले बन चुके। एक बायर तुम्हें डीलिंग करता है उनको तुम धन्यवाद थैंक्स का 10 बार फोन करते हो, शर्म नहीं आती है? एक बायर ने तुम्हें 10 लाख का प्रॉफिट दिला दिया, तुम इनको 10 बार फोन करके बोलेंगे थैंक्स यार तू नहीं होता तो 10 लाख का प्रॉफिट नहीं होता, एक 10 लाख का प्रॉफिट तू नहीं होता तो नहीं होता, ये बायर को बोलने के लिए तैयार है। माँ बाप को कभी आपने बोला कि पिताजी आपके हृदय में करुणा का अभाव नहीं होता, मैं आज इस दुनिया में मेरा जन्म नहीं होता? बस में जगह नहीं थी, किसी ने जगह दे दी, हमने उनका थैंक्स माना। चलते चलते गाड़ी में किसने लीप दे दी, हमने उसको थैंक्स माना। प्यासे थे, किसी ने पानी पिला दिया, उनको हमने थैंक्स माना। और ये माँ बाप ने हमने जन्म दिया, थैंक्स मानने का मेरे मन में कोई भाव नहीं पैदा आया, हमने सामने जाकर किया, पिताजी धन्यवाद देता हूं आपने हमको जन्म दे करके एक हमारा जीवन बना दिया। रिमेंबर द ऑब्लिगेशंस, और 3 बात करके एक बहुत अद्भुत का प्रोग्राम चलने जा रहा है। मां बाप वो है, नंबर 1 जो अंगुली देते हैं, नंबर 2 जो अंगुली पकड़ते हैं, नंबर 1 देते हैं। बेटा चलने के लिए चलता है ना, मम्मी सीधी आ जाती है, मम्मी प्लीज अंगुली देती है। और आप मां बाप की अंगुली पकड़ने के लिए जाओ, पकड़ने के लिए भी दे देते, उठाओ। 3 उपकार मां बाप के, 1 अंगुली देते हैं। हम कमजोर बन जाते हैं तब अंगुली पकड़ते हैं। मैं पढ़ने में इतना कमजोर था, कभी कभी कोने में बैठ के रो रहा था, गुरुदेव कुछ आता ही नहीं, अंगुली पकड़ी गुरुदेव ने। मैं गुरुदेव के पास भी नहीं गया था, गुरुदेव सामने उठ करके मेरे पास है, रत्न सुंदर क्या है, दुखी क्या हो गया, नहीं आता है ना, चलेगा, तू मेरा ही है। नंबर 1 अंगुली देते हैं, नंबर 2 अंगुली पकड़ते है, और नंबर 3 अंगुली करके सही रास्ता दिखाते है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सुबह जी समझे, अंगुली करके रास्ता दिखाता है, बेटा इस रास्ते पे कभी मत जाना, यही रास्ते पे जाना। ये 3 उपकार, अंगुली देने का, अंगुली पकड़ने का और अंगुली दिखाने का, 9 उपकार मैंने आज आपके सामने रख दिए। तस्वीर तकदीर और तासीर 3 बदल देना, जन्म जीवन और संस्कार को देना, अंगुली देना, अंगुली पकड़ना और अंगुली को दिखाना, 3 3 3 3 3 9। और ऐसे माता पिता के लिए आप चेक कर लेना, 3 गर्मी ने आपके हृदय के पुष्पों को खत्म कर दिया है। 3 गर्मी, 1 बुद्धि की गर्मी, इस गर्मी में हृदय खत्म हो चुका तुम्हारा। नंबर 2 पैसे की गर्मी,
यहां बैठने वाले को बुरा लगे उनको लेकर के मैं बात नहीं करना चाहता, मगर ये तीन गर्मी ने तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं वीआर करते करते छोटे छोटे गांव में भी आ गया, वहां जो बेटे का प्रेम देखा बाप पर, वो तुम खत्म हो गए सब। नंबर एक बुद्धि की गर्मी, नंबर दो पैसा की गर्मी, और नंबर तीन सफलता की गर्मी। जहां भी तुमने हाथ डाला तुम सक्सेस बन गए। तुम्हारे पास बुद्धि जबरदस्त थी, तुम्हारे पास पैसे पर्याप्त थे, तुम्हारी सफलता जबरदस्त, प्लानिंग। तुम ये बोलते हो महाराज साहब हर जगह मेरा प्लानिंग काम करता है, सफल बन जाता हूं। ये बुद्धि पैसे और सफलता की गर्मी ने हृदय को तुम्हें खोखला कर दिया, बिल्कुल खत्म। औरंगाबाद की स्थिति नहीं होगी, मगर कई घरों में कई गांवों में जाके आया, जो वेदना से कह रहा हूं, जिस माली ने बगीचा बनाया है वो माली कोने में अकेला बैठे बैठे रो रहा है, उनको कोई नोट डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। जिस माली ये बगीचा देख रहा है वो माली बेबस है, वो समझ नहीं पाता कि इस घर में मेरा स्थान कहाँ है। और मैं चाहता हूं कि आज इस प्रसंग की समाप्ति के पहले आप इतना तय करके जाना, गुरुदेव इतनी बड़ी सभा है, मैं जो अभी बोला सुभाष जी 9 बात बोल देंगे। पहले नंबर में त त त का उपकार, नंबर एक पूरी सभा बोलेगी, नंबर एक तकदीर, नंबर दो थोड़ा जोर से मुझे सुनाई पड़ेगा तस्वीर, नंबर तीन ओके, ये तीन एक पूरा हो गया। माँ बाप ने तीन चीज मुझे दे दी, नंबर एक जन्म दिया ओके, नंबर दो नंबर तीन संस्कार ओके, अभी नंबर और तीन, नंबर एक अंगुली पकड़ी, नंबर दो अंगुली दी, और नंबर तीन दैट्स ऑल। रिमेम्बर द ऑब्लिगेशंस, हमेशा के लिए माँ बाप के उपकार को हम आंखों के सामने रखेंगे। मैं चाहता हूं हम बिल्कुल राइट टाइम पे जा रहे, मैं चाहता हूं वहां तक वन ओ क्लॉक 1 बजे इस प्रवचन इस प्रोग्राम को विराम देने का पूरा पक्का ख्याल है। हम उसी लाइन पे जा रहे, बार 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 बैठेंगे ना एक बजे तक, क्या नहीं आवाज नहीं आई, समझ में नहीं आता इसलिए पूछता हूं क्या है ओके। 4 बात आज सुन के ही जाना, नंबर एक रिमेंबर द ऑब्लिगेशंस, नंबर दो की बात करूं इनके पहले बीच में, बरसों पहले सौराष्ट्र में गिरनार जी की यात्रा पे था, ऊपरकोट की धर्मशाला में ठहरा था, करीबन सुबह को 10 बजे एक लड़का मिलने के लिए आया, सर्दी का दिन और छोटा सा लड़का, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकता है। लड़के ने सीधा ही प्रश्न पूछ लिया, महाराज साहब आपको साधु जीवन में कभी आपकी मां याद आती है क्या? बुद्धि के प्रश्न पूछने वाले, सिद्धांत के प्रश्न पूछने वाले बहुत मिले, एक ऐसा प्रश्न पूछना कल्पना बाहर की बात थी। मैं थोड़ा अंदर से हिल गया, लड़के को पूछने का मन हुआ, ये प्रश्न तूने मुझे क्यों पूछा? मानस साहब आपको मालूम है भी कितनी सर्दी है,
मैं बहुत छोटा हूं, रात को सोता हूं महाराज साहब, सोते वक्त मेरी मम्मी स्वेटर, पैर में गर्म चीज, हाथ में गर्म चीज, सर पे सब महाराज साहब व्यवस्थित करके मुझे सुला देती है। और रात को जब सो जाता हूं ब्लैंकेट भी मेरे शरीर पे डाल देती है। मगर वो मुझे पूछ रहा है महाराज साहब, मैं बहुत छोटा हूं ना, इसलिए रात को करवट जब बदलता हूं कभी ब्लैंकेट निकल जाता है महाराज साहब। और इतनी सर्दी के बावजूद भी महाराज साहब मेरी मम्मी मेरी बाजू में होती है, और जैसे ही मैं करवट लेता हूं और ब्लैंकेट निकल जाता है उसी टाइम माँ झांक करके ब्लैंकेट को बराबर लगा देती है और पूरी नींद रात को आ जाती है। महाराज साहब 3 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, इतनी कड़ी सर्दी के बीच में महाराज साहब आप यात्रा करके आते हो, तो ठंडी तो मुझे लगती है ठंडी तो आपको भी लगती होगी। तो महाराज साहब सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, मैं जहां तक समझाऊं वहां तक अब तो मां बाप को छोड़ के निकल चुके हो, तो महाराज साहब रात को नींद लेते वक्त करवट बदलते उसी टाइम आपके शरीर पे रहा हो द ब्लैंकेट या तो चद्दर महाराज साहब कोई ले लेता है, उसी टाइम आपको आपकी मम्मी की याद आती है कि मां होती तो ब्लैंकेट ठीक कर देती। 10 साल का एक लड़का मुनि भगवान को उनकी मां की याद करा देता है, सेटिस्फाइड हो जाए ऐसा जवाब दे दिया, हमारे वहां मेरे गुरुदेव वो हमारी मम्मी होती। ऐसी कोई स्थिति में मैं वो रखते नहीं, वो सीधी सीधी जो भी व्यवस्था तेरी मां तेरे लिए करती है वही व्यवस्था हमारे गुरुदेव हमारे लिए करते हैं। 4 R की बात करना चाहता हूं। R, पहले R की बात हो गई रिमेंबर द ऑब्लिगेशंस। यहां बैठने वाले को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, रिचार्ज योर कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में आपका जवाब क्या है? रिचार्ज योर कम्युनिकेशन। पिताजी के साथ माँ बाप के साथ एक समय था जब आपको बैठने का भी समय था, माँ बाप आपको बिठाते थे या तो आप माँ बाप के पास बैठते थे, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं था। जनरेशन गैप कितना भी बड़ा हो चल सकता है, कम्युनिकेशन गैप कभी बड़ा नहीं था। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, पूरे दिन में माँ बाप के पास बैठने का समय रिचार्ज योर कम्युनिकेशन, जो संपर्क करीबन करीबन टूटने आया है वो संपर्क बनाने की बढ़ाने की बचाने की जिम्मेदारी आप सब की है। मैं पूछना चाहता हूं यहां जो लड़के बैठे जिनके घर में अपने माँ बाप जीवंत है उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने का रिचार्ज करने का उनके पास बैठने का आपके पास समय कितना है? रिचार्ज योर कम्युनिकेशन जानना चाहता हूं। मैं जिस जगह पे बैठा हूं उस जगह पे आप सब 24 घंटे में कभी भी आते हो वंदन करने के लिए, आपने देखा होगा मेरा कोई भी छोटा साधु मेरे पास आकर के बैठ जाता है तो हर चीज को नंबर 2 पे रख करके छोटे के साधु के साथ बातचीत में लग जाता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में ये कम्युनिकेशन गैप है कि क्लियर हो चुका है? जामण जी क्या सच बोलो क्यों? फैमिली मेंबर के साथ कम्युनिकेशन गैप करने के बाद आपको आप जो जोखिम उठा रहे हैं वो आपको मालूम नहीं। शायद इसी औरंगाबाद में एक जगह प्रवचन में कहा था, फिर भी इस प्रसंग पर मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके सुख के समय में आप 2 बार सुन लेना,
आपके सुख के समय में दूर रहने वाला नजदीक नहीं आएगा, आपको कोई चिंता नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, आपके सुख के समय में आपसे दूर रहने वाला नजदीक नहीं आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। मगर आपके दुख के समय में नजदीक वाला यदि दूर चला जाएगा, बहुत चिंता का विषय है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये कम्युनिकेशन गैप आखिर करेगा क्या? नजदीक वाले को आपसे दूर कर देगा? इतना बड़ा जोखिम उठाने की आपको जरूर क्या है? आज यदि मातृ पितृ वंदना का प्रोग्राम आपको 1% भी छुआ हो, 1% ओनली, आप इतना तय कर लो, मेरे मां बाप के साथ यदि जीवंत होंगे, घर में होंगे, तो मेरे पिताजी के और माता पिता के साथ निश्चित तौर से 10-15 मिनट तो कम से कम निकालूंगा। यदि आप ही मां बाप बन गए हो, आपके बेटे के साथ 10-15 मिनट बैठने का आपको समय मिलेगा। क्या स्थिति क्या है? जो भी समय बैठी उनको पूछना चाहता हूं, ये दो में से आपको जो ठीक लगे हो, मां बाप है तो इनके पास आपको बैठना है, आपका बेटा है तो बेटे के साथ आपको बैठना है। प्रशांत जी, बाहर निकलते वक्त तो घर में माता पिता हो और बोले कि अभी बाहर मत जाना, मेरे पास 1 घंटा बैठना, किसको अवॉइड करेंगे? क्या है, क्या करना चाहिए मत बोल, इतने दिन के प्रवचन में क्या करना चाहिए वो तो मैं बोल ही रहा हूं, करते क्या हो वो बोलो, सच बोलो, क्यों? जाना इतना महत्वपूर्ण है कि जो घर में बैठे उनके साथ बात करना महत्वपूर्ण है? कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाता हूं, आप किसको बचाना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी आपको किसको देना चाहिए, वो क्या आपके दिमाग में बात नहीं बैठती है क्या? कई जगह आपने भी वो एग्जाम्पल सुना होगा, रिपीट नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मन हुआ कि रिचार्ज योर कम्युनिकेशन में ये बात तो आपको लानी ही पड़ेगी। करोड़ों रुपए का बाप धन बिजनेस कर रहा था, एक दिन बेटे को लगा कि पिताजी को पूछना पड़ेगा, और पिताजी ने उसको सीधा ही पूछ लिया, पिताजी आपकी इतनी जबरदस्त इनकम है, तो करीबन एवरेज आपकी इनकम का 1 घंटे का कितना रुपया आता होगा? छोटा बेटा बिजनेस में बात करते तो पापा को लगा इस उम्र में तेरे मुझे मैं कितना रुपया कमाता हूं जानने की जरूरत क्या है? पापा कुछ जरूर तो ठीक है, बट आई वुड लाइक टू नो, आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ना। बाप ने बता दिया, जिस ढंग से मैं भाग रहा हूं उस ढंग से 1 महीने में 1 घंटे में 25,000। पिताजी 13,000 रुपया देंगे मुझे? बाप को लगा ये बेटा 4th-5th क्लास में पढ़ता है, 13,000 रुपये की राशि मुझसे मांग रहा है, थोड़े गर्म हो गए, गर्मी से मर गई, क्या जरूर है 13,000 की, पापा प्लीज। आग्रह ज्यादा किया, बाप ने चाटा मार दिया, और जैसे ही चाटा मार दिया, आखिर तो छोटा बेटा था, आंख में से आंसू गया। रात का समय सोने के लिए बेटा गद्दी के पास गया, वो रो रहा था, और पिताजी ने देखा आखिर तो मेरा बेटा है, 13,000 रुपया मांग दिया, दिया तो भी क्या, उनके ही पास रहेगा, उनके पास हो तो मेरे पास, ये तो 6th क्लास में है, कहां वो यूज्ड कहां करेगा। और बाप ने बोला बेटा 2 मिनट, कबाट खोला, पाकिट निकाला, पाकिट में से 1,000 की नोट निकाली, 13 नोट बाप ने बेटे को दे दी, बेटा 13,000 मांगता था ना, दे दिया, ले पापा प्लीज 1 मिनट। बाप ने बेटे को 2 मिनट दिए, पप्पा को वो 1 मिनट दे रहा है, वो बाप देखते रहा, गद्दी के हाथ नीचे बेटे ने हाथ डाला, हाथ डालते को रुपये निकाले, कहीं उनको भी मिला होगा कहीं इधर उधर कुछ गिफ्ट में, प्रेजेंट में, इनाम में, बाप देखते ही रहा, और ये रुपया गिनते 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 12,000 गिन दिया, 13,000 था, 12,000 एड कर दिया, और उसने पिताजी को कहा पप्पा आप ये बोलते ने 1 घंटे का मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, एक काम करूँ, आई एम गिविंग यू 25,000 रुपीज, प्लीज गिव मी 1 आवर, पप्पा 1 घंटा मुझे दे दो,
मैं आपको 25,000 दे देता हूं। एक बेटे को अपने बाप के पास समय मांगने के लिए पैसा देना पड़े, एक बाप को अपने बेटे को अपने पास बैठाने के लिए कुछ गरज दिखानी पड़े, आंख में से आंसू के साथ, बेटा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तू थोड़ा रह जाना। आपको मालूम है तो बताओ, कॉमिक मिमिक्री नहीं करूंगा, फॉरेन में अपने साथ बात करने के लिए पेपर में एड देने वाले माँ बाप है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अपने साथ कोई बात करे, एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा एड देते हैं। यदि मेरे साथ कोई बात करेगा, मैं एक घंटे का $10 दे सकता हूं, जहां बात सुनने करने के लिए एक घंटे का $10 देने वाले है। हमारी ये परंपरा आज तक नहीं थी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, रिचार्ज योर कम्युनिकेशन। आपके बेटे के साथ यदि आपका कम्युनिकेशन खत्म हो चुका हो, या तो आपके पिताजी के साथ, माता के साथ यदि आपका कम्युनिकेशन खत्म हो, मैं तो एक छोटी सी बात और भी नीचे उतरता हूं, भाभी जी सीधी बात, आप सामने होकर के मां बाप के साथ नहीं बैठते, तुम जानो, चलो आप इतना मुझे बोल दो, मेरा बेटा और मेरा माँ बाप मेरे से माना से समय मांगेगा, सब कुछ छोड़ करके पहले नंबर में उनको प्रायोरिटी दूंगा, इतना तो पक्का। क्या हुआ? अब बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, इसमें इतनी देर क्यों लगा दी यार? उसी टाइम बोल देना था कि माना से पक्का, कोई भी काम आपको नंबर दो पे रखना पड़ेगा। मां बाप का काम चाहे आपकी दृष्टि से टॉप प्रायोरिटी पे और महत्वपूर्ण ना हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप भी क्या करते मालूम है? मां बाप जो भी काम दिखाते आप काम को महत्वपूर्ण है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो चेक करके समय देते, वही बात आती है ना। हाँ वही बात। और आज आपको कहना चाहता हूं कि थोड़ा बस थोड़ा उसमें बदलाव करो। नंबर एक, रिकॉग्नाइज द रिमेंबर द ऑब्लिगेशन, उपकार याद रखो। नंबर दो, रिचार्ज योर कम्युनिकेशन। नंबर तीन, रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस, रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस, इनके मन का जो हृदय का भाव है ना, उनकी थोड़ी कीमत करो यार, रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस। सच बोलो, माँ बाप की लगाओ, इनके हृदय का भाव, इनको महत्व देने का आपके मन में ख्याल कब आया? माँ बाप है माँ बाप, इनके हृदय का भी कोई भाव है, वो चाहते हैं। एक गरीब, मैं बताऊं क्या हुआ, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सर बोलो फेस रीडिंग से आपके मां बाप के हृदय के भावों को आप समझ सकते, उनको उनको एक महत्व देना, महत्व। मान लिया कि हर चीज अपनी जगह पे आपकी दृष्टि से बिल्कुल मामूली चीज लगती है। मैंने बोला इंदौर में एक भाई है, अपनी पत्नी को जीवन भर के लिए बोल दिया है, शॉपिंग के लिए कुछ भी लेके जाए, इनकी बात शॉपिंग के लिए तेरे लिए तू कुछ भी लावे, सबसे पहले मां के लिए लाना है और फिर तेरे जो भी लाना है। आपको बताऊं वो बात, अपनी पत्नी को बोल दिया कि तेरे लिए 8,000 की साड़ी लावे, तो पहले माता के लिए 8,000 की साड़ी लाना, 50,000 का गहना तेरे लिए लाती तो मां बाप के लिए, मां के लिए भी 50,000 का गहना सबसे पहले लाना। और पत्नी ने एक बार पूछ लिया, 17-75 साल की उम्र में मां ये साड़ी पहनेगी क्या? और पति ने अच्छा जवाब दिया, मां पहनेगी नहीं पहनेगी वो मां का प्रश्न है, तेरा प्रश्न नहीं है, तेरे लिए जो साड़ी लाती है वही साड़ी माता के लिए लाना। मां किसी को गिफ्ट देना चाहेगी गिफ्ट देगी, मगर तुझे कभी ये पूछना नहीं है कि मां इस उम्र में ये साड़ी पहनेगी कि नहीं। आपके घर में यही व्यवस्था है? विनोद जी क्या नहीं है? क्यों? जानना चाहता हूं, इनके इमोशंस को संभालने की प्रायोरिटी देकर के इनके इमोशंस को भी एक न्याय देने का आपके मन में क्यों ख्याल नहीं? मेरी चाह है, मेरी चाह, बेटा मैं चाहता हूं कि इस जगह पे 10,000 का डोनेशन दे, नहीं देना है ना, सीधी ना। पहले तो मैं यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सब बोलो घर पे जाकर के, मुझे मालूम नहीं तुम करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं। मां बाप को जाकर के सिर्फ इतना पूछेंगे, आपके मन का भाव क्या है, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूं,
आप माँ बाप को जाकर के सिर्फ इतना बता, आपके मन में जो भी अरमान लगाओ पैदा होते हैं आपका इमोशन से, हमने कभी आज तक शायद आपने प्रकट नहीं किया हो, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कुछ बोलो कि आप क्या चाहती हो या तो क्या चाहते हो, यदि हमसे हो सकेगा सब मनोरथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, पूछा है कभी? कमाल की शांति है, क्या हुआ पूछा ही? अभी आज घर पे जाकर के यदि आपको 1% भी इमोशन आपके हृदय में, तो जाके पूछना कि मम्मी कोई इच्छा है, पिताजी आपकी कोई इच्छा, पालीताना की यात्रा, जूनागढ़ की यात्रा, कोई भी इच्छा, कोई डोनेशन, कोई भाव, आप आपके हृदय से कुछ निकालो, मैं आपका बेटा हूं, आपकी इच्छा, आपका मनोरथ, आपकी भावना को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही पूछना जानने का प्रयास किया। क्या हुआ समझ में नहीं आता है, कोई गलत तो नहीं बता दिया महावीर जी मैंने? सच बोलो, ये प्रयास तुमने अभी तक नहीं किया, इनके पीछे कोई राज? हाँ, राज भी नहीं तो क्या है क्या? हाँ, कमाल, ऑफिसर्स के पास जाते तो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, तो वजन लेके ही जाएगा, वहां अकल है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी ऑफिसर्स के पास जाएगा तो उनको मालूम है कि उनको क्या चाहिए, तो वजन लेके जाए, वजन समझे ना? हाँ, वो तो भाषा आपको मालूम है सर, वो मांगता भी नहीं है, सीधा दे देता है। महाराज साहब ये तो इनके फेस रीडिंग से हमें पता चलता है, वो बोले या ना बोले हमें समझना चाहिए, बोलते ना? हाँ, सामने वाला ऑफिसर बोले या ना बोले, महाराज साहब हमें समझना चाहिए, वो समझ पूरी आपके पास कल है। और आप ये बोलते कि महाराज साहब माँ बाप के पास जाकर के कभी तुमने ये प्रश्न नहीं पूछा कि माँ क्या चाहती हो, पिताजी को ये नहीं पूछा, पिताजी इतनी उम्र के बाद आप बोलो आपके हृदय की कामना क्या है, आप क्या चाहते हो बोलो, यदि मेरे से हो सकेगा हर संभव आपकी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मैं बात बताना चाहता हूं, बोरीवली में एक पिताजी शांत होने के करीब आए, चार लड़के बाजू में हॉस्पिटल में, पिताजी को दम, और ऐसा लगा कि पिताजी जान जाने के लिए तैयार है मगर कुछ रुका है, और एक बड़ा लड़का पिताजी के पास आया, पिताजी आप कुछ कहना चाहते हो? बहू ने बोल दिया, पिताजी को पूछो, लास्ट टाइम लगता है उन्होंने पिताजी कुछ बोलने के लिए सोच रहे कि बोलू या नहीं बोलू, बोलू या नहीं बोलू, तो तुम जाकर के आखिर तुम बेटे हो पूछ लो। चारों बेटे एक साथ नजदीक गए और पिताजी को पूछ लिया, पिताजी दुख है क्या? जाना तो सबको है और आपका समय हो चुका है, जा रहे हो, आप बोलो आपकी उम्मीद क्या है? बेटा एक वेदना है, वो लड़के ने मुझे बता दिया था, महाराज साहब क्या जीवन का आनंद है, वो टाइम है पहली बार पता चला कि पिताजी इस हाइट पे जा रहे थे, तो पिताजी ने बता दिया कि बेटा एक वेदना है, कौन सी? करोड़पति होके मरना चाहता था और बेटे को ये सुन के अंदर से चोट लगी, जाने के समय में करोड़पति बनने की बात पिताजी के मुंह से अभी तो 2-5 मिनट का कह ले, और हाथ पकड़ लिया पिताजी को, पिताजी 500 करोड़ का मालिक भी खाली हाथ चला गया, अब ये क्या करोड़पति बन के जाने की सोच रहा हूं? और वो जो समय था 2-5 मिनट का, पिताजी ने बोला, बेटा गलतफहमी करता है तुम, गलतफहमी, मैं करोड़पति बोल दिया वो तूने बराबर सुन लिया मगर तू गलत फैमी कर रहा था। बेटे ने बोला, पापा क्या आप क्या कहना चाहते थे? बेटा तुझे मालूम है, गुरुदेव के प्रवचन से सुनने के बाद इतना तय किया था कि कम से कम मरने के पहले 1 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप करके जाऊंगा, रुपया नहीं, 1 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप। और बेटा बहुत बहुत प्रयास किया, संसार से निवृत्त होकर के लगा नौकर के पीछे,
75 लैक्स हुए, 25 लाख बाकी रह गए। और यही बेटा 25 लाख कम हो गए, इसलिए अभी वेदना है, जीवन समाप्त हो गया और करोड़पति बनने का, नमस्कार महामंत्र का करोड़पति बनने का एक अरमान मेरा बाकी रह गया। मना साहेब चारों भाई नजदीक आ गए, चारों भाई की धर्म पत्नी नजदीक आ गई, एक इंगित कर दिया, बोल दो पिताजी को। और मारे से मैंने पिताजी को बोल दिया, पिताजी चिंता मत करो, करोड़पति बन के जाने का आपका जो अरमान था वो अपूर्ण रहा, जिंदगी बढ़ाना अपने हाथ में बात नहीं। और मान लिया कि अपने पुरुषार्थ करने के बावजूद भी फेल गए, मगर हम आपके बेटे, आपकी बेटे की हम सब बहू आपको प्रॉमिस कर देते, एक ही साल में आपके बाकी रहे 25 लाख नमस्कार महामंत्र का जाप हम सब पूर्ण कर देंगे। और महाराज साहब जैसे पिताजी को बताया, पिताजी की आंख बंद हो गई, बड़ी चैन से चले गए। एक पूरा परिवार 25 लाख नमस्कार महामंत्र का जाप पिताजी चाहते थे हम पूर्ण कर देंगे। आपको ये नहीं लगता है? कभी तो माँ बाप के पास बैठ करके पूछो कि पिताजी आपकी उम्मीद क्या है, आप क्या चाहते हो। आप बोलो मैं आपका बेटा आपकी बेटी, मैं आपको जो भी ठीक लगे मेरी संभावना है मां तक निश्चित तौर से पूर्ण करूंगा। यदि ये भाव आपके हृदय में नहीं पैदा हुआ, बेटे की हर डिमांड तुम पूर्ण करते हो, मोबाइल चाहिए लाया, ट्यूशन की फी चाहिए लाया, ड्रेस चाहिए लाया, बाइक चाहिए लाया, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, कभी भी वेदना नहीं होती है? आपकी इच्छा बिना बेटा डिमांड करते रहता है, बेटे की हर डिमांड तुम पूर्ण करते हो, कभी मां बाप के पास जाकर के बैठने के बाद पूछा नहीं मम्मी क्या चाहती है। रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस, इनके हृदय के भाव को भी एक बार उनकी प्रायोरिटी समझो, उनको पूछो आप मेरे से क्या चाहते हो वो पूछो, इस परिवार से आप क्या चाहते हो वो पूछो। उपकार को याद रखो, कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दो। और चौथे नंबर की बात, रेडी फॉर इमोशंस, 4 R, रिमेंबर, रिचार्ज, रिकॉग्नाइज, एम रेडी फॉर द इमोशंस। सारी दुनिया के साथ माना साहब पंगा ले सकता हूं, सारी दुनिया के साथ पंगा ले सकता हूं, मगर माता पिता और उपकारी के सामने माना साहब पंगा लेने की बात नहीं, वहां टोटली डिवोटेड, कोई दूसरा प्रश्न मेरे सामने नहीं रहेगा। सच बताऊं परमात्मा की कृपा है कि ऐसे प्रसंग में तुम सुनने के लिए आते हो। श्री श्री रविशंकर मुझे नागपुर में मिले और रविशंकर जी के साथ हम दोनों का प्रवचन नागपुर में साथ में हुआ। आपने मुझे बताया कि माना साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं जाके आया, 1000 लड़कों का मिलन था। इन लड़कों के बीच में मैंने एक प्रश्न पूछा, इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार तुम किसको करते हो, वो नहीं पूछा, मगर वो प्रश्न पूछा तुम्हारा सबसे ज्यादा तिरस्कार किस पर है। श्री श्री रविशंकर का वो टाइम का चेहरा देखने लायक था। महाराज साहब जहां श्रवण हुए, जिस देश में राम हुए, माता पिता की भक्ति की जिस देश में बात गली गली पे घर घर पे चली, उस देश में हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली और दिल्ली की ताकत दिल्ली की यूनिवर्सिटी, वहां मैंने जब यह प्रश्न पूछा सबसे ज्यादा तिरस्कार यदि तुम्हें किसी पर है तो किन पर है, और माना साहेब 70% लड़के और लड़की ने बता दिया हम सबसे ज्यादा तिरस्कार हमारे मां बाप पर करते, वी हेट अवर पेरेंट्स। जिस मां बाप से जन्म लिया, जिंदगी की हर रिक्वायरमेंट जिस मां बाप से पूरी हुई, बहुत कुछ डिजायर भी मां बाप से पूरी हुई, रिक्वायरमेंट मां बाप से पूरी की,
डिजायर भी पूरी करने का प्रयास मामाप से किया, वो 70% लड़के बोल रहे सबसे ज्यादा तिरस्कार यदि हम किसी पर करते माँ बाप पर करते। ये परंपरा आने वाले दिनों में कहां ले जाएगी मालूम नहीं, ऐसे प्रसंग भी होगे कि नहीं मालूम नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में 1 पॉइंट प्रोग्राम जो तुम्हारा सबका शुरू हो चुका है पैसे का, वो प्रोग्राम ने कितने कितने लोगों को अवॉर्ड करने का काम किया है आप सोचेंगे तब पता चलेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपनी माता के पास जा सकता है, ये देखने के बाद भी एक गजबनाथ आलंबन उसने दे दिया था कि मैं इस पोस्ट पे जाने के बाद भी सबसे पहले मेरी मां के चरण में यदि झुक सकता हूं आशीर्वाद ले सकता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, एक प्रधानमंत्री सच बोलो वो आपको अच्छा लगा? हाँ, उसी दिन आपके घर में आपकी माता के चरण में झुक गए थे।